600 प्लस रन्स का सीजन आएगा रोहित शर्मा का। आईपीएल 2024 में हार्दिक की कप्तानी में रोहित तोड़ेंगे सबको। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट चैरी देख रहे हैं आप, मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है जिस तरीके से कप्तानी से हटाया मुंबई इंडियंस ने पहले रोहित शर्मा को और उसके बाद हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, और हमने देखा है कि रोहित वर्सेज हार्दिक पांड्या इन दिनों काफी ज्यादा चल रहा है। लेकिन रोहित शर्मा की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये सीजन उनके लिए एक डिफाइनिंग सीजन होने वाला है, और ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस के लिए रोहित का ये आखिरी सीजन होगा, क्योंकि इसके बाद 2025 का मेगा ऑक्शन है और मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज कर देगी। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान जो मुंबई इंडियंस के इस वक्त के कैप्टन नहीं है रोहित शर्मा, उनकी T20 फॉर्म की बात करें तो पिछले 2-3 सालों से उनकी T20 फॉर्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। पिछले आईपीएल के आप आंकड़े देख रहे हैं जहां पर सिर्फ 16 मैचेस में 332 रन रोहित के बल्ले से निकले, एवरेज जहां देखे 20 की रही, 250 लगाने में सिर्फ रोहित शर्मा कामयाब रहे, और स्ट्राइक रेट भी रोहित शर्मा का काफी ज्यादा कम रहा, जो रोहित शर्मा को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। लेकिन इस सीजन रोहित शर्मा के बल्ले से आने वाले हैं 600 प्लस रन। अगर देखें पिछले कुछ सालों का आईपीएल सीजन रोहित शर्मा का एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये देखें, रोहित शर्मा's परफॉर्मेंस हैज बीन रियली पुअर फॉर द पास्ट 7 आईपीएल सीजन्स। फ्रॉम आईपीएल 2017 टू 2023 रोहित एवरेज 24.76 विद द बैट, यानी कि कप्तानी से तो कंट्रीब्यूशन आ रही थी लेकिन रोहित शर्मा की पिछले 7 आईपीएल सीजन से लगातार 24 की एवरेज चलती हुई आ रही है, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए ठीक नहीं था। बावजूद उसके रोहित शर्मा बतौर कप्तानी से 2017 से 2023 के बीच में 3 आईपीएल ट्रॉफीज भी जीते हैं, उस वजह से ये आंकड़े छिपे भी। लेकिन अब यहां पर हम बता रहे हैं आपको कि इस बार रोहित शर्मा का 600 प्लस रन्स का सीजन आने वाला है, और ये बात खुद आकाश चोपड़ा जो कि रोहित शर्मा को काफी ज्यादा प्रेज भी करते रहते हैं और काफी ज्यादा इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन्होंने बोला है कि भाई देखिए कप्तान अब वो रहे नहीं मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा, और ऐसे में अब उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। हालांकि प्रेशर नहीं है लेकिन फिर भी प्रेशर है, क्योंकि प्रूव सबको करना है। T20 फॉर्म उस तरीके से नहीं रही है, इंडियन टीम से भी T20 में ड्रॉप थे जब 2022 का T20 वर्ल्ड कप हार के आए थे, उसके बाद हार्दिक पांड्या ही कप्तानी कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा इंडियन टीम में भी बतौर कप्तान वापस आए अफगानिस्तान सीरीज में, और वहां पर भी 100 उन्होंने बनाया। तो इस आईपीएल सीजन में जब रोहित कप्तान नहीं है, जब उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, तो हो सकता है ये आईपीएल सीजन रोहित शर्मा के लिए वो सीजन चले जाए जैसा अभी तक उनके करियर में आया नहीं है। 600 प्लस रन का सीजन रोहित शर्मा के करियर में कभी भी नहीं आया है। 500 से ऊपर रन उन्होंने जरूर बनाए लेकिन 600 रनों का सीजन अब तक उनके करियर में नहीं आया, और अगर ये सीजन 600 प्लस का रोहित शर्मा के बल्ले से आ जाता है, वो हिटमैन रोहित शर्मा हमें दिखते हैं यहां पर इस सीजन में, तो T20 वर्ल्ड कप से पहले इससे बेहतर साइन किसी और टीम के लिए नहीं हो सकते हैं कि आईपीएल में T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया का कैप्टन 600 प्लस रन बनाए। तो यहां पर रोहित शर्मा लग रहा है कि इस बार सबको तोड़ने वाले हैं आईपीएल 2024 में। तो दोस्तों आप भी जरूर हमें बताइएगा रोहित शर्मा को लेकर आपकी क्या है प्रेडिक्शंस, प्लस हमें बताइएगा कि इस ये सीजन रोहित शर्मा के कितने रन आने वाले हैं, 300 प्लस, 400 प्लस, 500 प्लस या 600 प्लस, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।